Next question. Question says 64 drops each having the capacity C and potential V are combined to form a big drop. If the charge on the small drop is Q, then the charge on the big drop will be, और हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं 2Q, 4Q, 16Q या फिर 64Q. Now बहुत ही सिंपल सवाल है, बेसिक्स यहाँ पे क्लियर होंगे कि ये आपकी अगर n नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं, n नंबर ऑफ ड्रॉप्स उनको अगर हमने कंबाइन कोलेस करके अगर एक बिग ड्रॉप बना दी तो इनका जो इंडिविजुअल चार्ज पहले Q था वो फाइनल चार्ज Q हो गया है. सो यहाँ पे ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम ये लिख सकते हैं कि फाइनल चार्ज Q विल बी इक्वल टू n टाइम्स Q, जो आपकी ड्रॉप्स थी n ड्रॉप्स उन सब का टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा. तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इस सवाल में टोटल Q विल बी इक्वल टू 64Q एंड हेंस ऑप्शन नंबर D वुड बी द राइट आंसर.